हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सभी लोग और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पास्ता पास्ता मैंने बॉयल्ड होने के लिए रख दिया साथ के साथ इसमें मैंने वन टेबल स्पून ऑयल भी मिला है ऑयल ऐड करने से क्या होता है कि पास्ता ना जो चिपचिपा नहीं बनता खिला खिला एक एक बनेगा तो आप जरूर ऑयल ऐड कीजिए अगर आप करते हो तो ठीक है अगर नहीं करते हो तो ऑयल भी ऐड कीजिए साथ के साथ मैंने अनियन भी कट कर लिया और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और कृष्णा का मिल्क भी बॉयल्ड हो रहा है और देखो यहाँ पर मेरे जो पास्ता है ना वो बिल्कुल एकदम खिले बने तो पहले मैं यहाँ पे चाय पीती हूँ कृष्णा को दूध पिलाती हूँ फिर आके आगे आगे फ्राई करती हूँ तो अभी मैंने फ्राई कर रही हूँ तो मैंने अनियन लिए पहले मैं अनियन को फ़्राई करूँगी यहाँ पे और अनियन को फ्राई करके निकाल ली उसके बाद में मैंने टोमेटो की यहाँ पे प्योरी बनाई है उसमें मैंने हल्दी ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ भुना हुआ थोड़ा सा हरा धनिया और ब्लैक पेपर मैंने यहाँ पर ऐड की है उसके बाद में जो मैंने अनियन को जो रोस्ट किया था ना वो ऐड कर दिया थोड़ा सा टोमेटो केचप मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को टोमेटो केचप अच्छा लगता है और उससे टेस्ट भी अच्छा आता है आप चाहो तो पिज़्ज़ा एंड पास्ट पास्ता वाला जो केचप आता है ना सोसा था वो भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा स्पाइसी खाना है तो उसके बाद में जो बॉयल्ड बॉयल्ड पास्ता था वो ऐड कर दिया इन सबको मिला लेंगे लास्ट में मैंने यहाँ पे चीज ऐड की और हमारा टेस्टी टेस्टी पास्ता यहाँ पे बन के तैयार है और बच्चों का तो फेवरेट होता है पास्ता और ये मैंने हेल्दी भी बनाया तो आप जरूर ट्राई कीजिए उसके बाद में मैंने कृष्णा को यहाँ पर रेडी करके उसे थोड़ा सा खिला के स्कूल के लिए भेज दिया ये भी ऑफिस के लिए चले गए हैं आज इनके ऑफिस में पार्टी थी तो ये लंच नहीं लेके जा साथ में इन्होंने बोला कि आज किसी का बर्थडे तो वहीं पर हम लोग खाना खाएंगे तो आज लंच का ऐसा कोई लोड नहीं जब प्रश्न आएगा ना उसके बाद में ही मैं लंच बनाऊंगी या फिर हम दोनों के लिए कुछ सिंपल सा बना लूंगी जो भी ठीक लगेगा हैवी तो कुछ नहीं बनाऊँगी जिस दिन इनको लेके नहीं जाना होता है ना उस दिन तो हम लोग ऐसे ही कुछ करते हैं कि कुछ भी सिंपल सा बना लेती हूँ और तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ तो मेरे साथ में अभी कोई भी नहीं है और टाइम मेरे पास बहुत सारा है तो पर मैंने सोचा पहले यहाँ पर क्लिनिंग करके एकदम फ्री हो जाती फिर आराम से बैठूँगी तो पहले मैं यहाँ पे बेडरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ उसके बाद में मैं कृष्णा के रूम की क्लिनिंग करूँगी तो बेडशीट मैंने अभी कल ही चेंज की थी तो आज मैं बेड चेंज नहीं कर रही हूँ और मेरी क्लीनिंग हो गई और डेली चलती रहती है तो इतना ज़्यादा घर गंदा भी नहीं होता क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं ना तो घर साफ़ ही रहता है बस थोड़ा बहुत उसे डस्टिंग करनी होती है वो मैं साथ के साथ करती जाती हूँ तो यहाँ पर मेरी डस्टिंग हो गई उसके बाद मैं झाड़ू निकाल रही हूँ और यार सारा काम अकेले ही करना पड़ता है जितनी जल्दी हो सकता है ना मैं उतनी जल्दी करती हूँ क्योंकि कृष्णा को जब लेके आऊँ ना मैं सोचती हूँ कि उससे पहले जो भी मेरा एक्स्ट्रा काम रहता है ना वो सारे काम फिनिश हो जाए वो जब आए ना तो उसको मेरा साथ मिले वो मेरे साथ रहना पसंद पसंद करता है और उसको टाइम भी मैं देना पसंद करती हूँ क्योंकि बच्चा छोटा है मेरे अलावा तो कोई है भी नहीं जिसके साथ वो खे, खेले तो मैं मोस्टली टाइम अपना उसी को ही देती हूँ तो मैं उससे पहले अपने सारे काम फिनिश कर लेती हूँ और काम ईजीली हो जाते हैं आप थोड़ा सा अगर जल्दी चकोगे ना बच्चों से पहले तो आपका पूरा काम आराम से हो जाता है इतना कोई लोड नहीं होता बस थोड़ा सा अरेंज करना होता है मैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करती हूँ जिस काम की जितनी जल्दी प्रायोरिटी होती है ना उस काम को मैं पहले करती हूँ और जिस काम की प्रायोरिटी बाद में होती है ना उसको मैं थोड़ा सा पोस्टपोन भी कर देती हूँ क्योंकि ऐसे ही चलता है यार जो काम जल्दी लगे वो पहले ही कर लो जो काम लग रहा है कि टाइम दे सकते तो थोड़ा सा टाल भी देती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है और सिंगल हैंड करना होता है तो यार बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है हर चीज़ को करने में तो थोड़ा थोड़ा कभी लेट भी हो जाती हूँ कभी जल्दी भी कर लेती हूँ बट कृष्णा के आने से पहले इवन कृष्णा के आने से पहले क्या मेरा दस बजे तक ऑलमोस्ट सारा काम फ्री हो जाता है और मैं कृष्णा के स्कूल तो बारह बजे की है तो मैं उसे साढ़े ग्यारह के बाद में कभी भी ले आता है ट्राई साइकिल देख रही हो ना यार ये ट्राई साइकिल बहुत अच्छी निकली और कृष्णा ने इसको सबसे ज़्यादा यूज में लिया आप ये सोच सकते हो जब ये इलेवन मंथ का था ना तब से आज तक ये चल नहीं चल ही रहा है बिल्कुल भी ख़राब नहीं और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकली है इवन क्रश ना ऑलवेज इस पर रहता है जब भी वो जमीन पे पैर रखेगा ना तो वो अपनी साइकिल पर पहले रखेगा और सारे दिन भर इससे सबसे ज्यादा खेलता है तो भी ये नहीं खराब हुई तो बस यहाँ पे मेरा पोछा भी लग गया पोछा लगने के बाद में मैं नहाने जाऊँगी और आज मुझे कुछ कपड़े भी वॉश करने जिन्हें मैंने सर्फ में भिगो के ही रख दिया था क्योंकि वो ऐसे कपड़े ना जो हैंड वॉश करने थे तो फिर मुझे क्योंकि मेरे कुछ ऐसे सूट है जिन पर बटन है ना अगर मैंने वॉशिंग मशीन में धोया तो टूट जाते हैं तो फिर मैं हैंड वॉश करती हूँ क्योंकि सारे कपड़े थे हम वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकते तो मैंने सोचा आज कपड़ों को मैंने थोड़ा गुनगुना पानी करके उसमें सर्फ डाल के भिखो दिया था मेरा सारा काम ख़त्म बस नहा के आना है तो मैं यहीं पर ये ब्लॉग एंड करती दोस्तों बाय अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए